सुप्रभात बच्चों, आज हम शुरू करते हैं पल्लव की पाठ्य पुस्तक का पार्ट नंबर 7, जो कि है खूबसूरत खरगोश। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के मनोभावों को स्पष्ट करना और उनका जानवरों के प्रति उनके स्नेह को उजागर किया गया है इस कहानी में। और इस कहानी के जो लेखक है वो है देवेंद्र सत्यार्थी। इस कहानी के माध्यम से हमें क्या समझाया गया है कि जानवरों और मनुष्यों के बीच जो इतना मधुर और प्यारा सा रिश्ता होता है उसको इसमें दर्शाया गया है। हमारे जीवन में कोई ना कोई चीज ऐसी अवश्य होती है जिससे हमें बहुत प्यार होता है और उसके खो जाने का हमें दुख भी बहुत होता है जब वो चीज हमसे दूर हो जाती है, चाहे वो जानवर हो, मनुष्य हो या हमारी मनपसंद कोई वस्तु हो। अगर वो हमसे दूर हो जाती है तो हमें बहुत ही दुख होता है। इस कहानी में लेखक ने अपने इन्हीं मनोभावों को हमारे सामने स्पष्ट किया है, प्रकट किया है कि किस प्रकार से बचपन में लेखक को खरगोशों से इतना अधिक प्रेम था और जब वो उनसे दूर हो जाते हैं तो उसके मन की क्या दशा होती है, इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं देवेंद्र सत्यार्थी, इस कहानी के जो लेखक हैं, उनकी बचपन की यादों की ओर, और पढ़ते हैं अपना पाठ खूबसूरत खरगोश। लेखक कहता है कि जब मैं बचपन को याद करता हूँ तो बचपन को याद करने से मुझे नरम मुलायम बालों वाले प्यारे प्यारे खरगोश के बच्चे जरूर याद आते हैं। पहले पहल उसने लेखक ने खरगोश के बच्चों को कहाँ देखा था? नूरा के पास देखा था। और उसे देखकर, उन खरगोश को देखकर वो क्या हो जाता है? मंत्रमुग्ध हो जाता है, मतलब उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। नूरा कौन है? नूरा बकरियां चराता था, चरवाहा था, मतलब बकरियों को चराने वाला। कहां से वह खरगोशों का इतना खूबसूरत जोड़ा पकड़ के लाया? लेखक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर उन खरगोशों को देखकर लेखक का भी मन होता है कि उसके पास भी इतने सुंदर खरगोश का जोड़ा हो। तो वो क्या करता है, अपने घर के सबसे पुराने नौकर जिसका नाम है फत्तू, मतलब लेखक के नौकर का नाम है फत्तू, वो बहुत ही भला आदमी होता है, बहुत समय से उसके घर में कार्य कर रहा होता है, तो वो क्या होता है, लेखक का एक बहुत ही प्यारा अच्छा दोस्त भी बन जाता है। तो वो एक दिन फत्तू से कहता है कि तुम भी खरगोश का जोड़ा पकड़ लाओ, मगर फत्तू उसकी बात को ना टालता रहता है। मगर लेखक भी ना अपनी जिद पर कायम रहता है, उसे भी होता है कि नहीं, मुझे किसी ना किसी तरह अपने घर में खरगोश तो लाने ही लाने हैं। तो वो क्या करता, हर रोज नूरा के घर जाता और उन सुंदर से खरगोशों को देखता। जब नूरा ये सब देखता कि ये तो रोज मेरे घर आ जाता है खरगोश देखने, तो वो उसे क्या कहता कि तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम भी अपने घर में खरगोश क्यों नहीं पाल लेते। तब लेखक क्या करता है, खरगोश के लिए चकोर आकार का पिंजरा बनवाने में सफल होता है, मतलब वो क्या करता है, अपने मम्मी पापा से छुपकर उसका पिंजरा बनवाता है और उनकी नजरों से बचाकर उस पिंजरे को कहाँ रखता है, पिंजरे को रखता है पशुओं वाले घर में। तब एक दिन क्या होता है, शाम को नूरा से कहकर खरगोश का एक जोड़ा ले आता है लेखक और उसे कहाँ रख देता है, पिंजरे में रख देता है। नूरा ने क्या किया, पिंजरे में घास और सब्जी के टुकड़े डाले हुए थे, तो खरगोश का जोड़ा क्या करता है, उन घास और सब्जी को देखकर उन पर मुंह मारता है, मतलब उन्हें खाने की कोशिश करता है। अब लेखक को ऐसा लगता है कि वो उसकी दुनिया के सबसे प्यारे साथी बन गए हैं। उन्हें देखकर ऐसे लगता है लेखक को कि दुनिया कितनी ही, जैसे खरगोश है इतने प्यारे मुलायम और मासूम से हैं, तो उसे लगता है कि दुनिया भी कितनी ही मासूम है जितना ये खरगोश का जोड़ा। जब फत्तू ने खरगोश का जोड़ा देखा तो वो भी क्या हो गया, खुशी से नाचने लगा, बहुत ही खुश हुआ और मजे से खरगोशों की आंखों में झांकता रहा। तब क्या हुआ, कहते हैं कि जाड़े के दिन थे, मतलब ठंड के दिन थे। अगले महीने क्या हुआ, खरगोश ने 2 से 7 हो गए खरगोश, मतलब उन्होंने 5 बच्चों को जन्म दिया।
और बच्चे कैसे थे? एकदम लाल लाल, उनके शरीर पर एक भी बाल नहीं था। लेकिन 8-10 दिनों में क्या हुआ, उनके शरीर पर सफेद बाल नजर आने लगे, उनकी आंखें भी खुलने लगी और वो खूब उछल कूद करने लगे। बच्चों को खेलते देखकर खरगोश का जोड़ा क्या करता, की आवाज से अपनी खुशी को जाहिर करता। और जब खरगोश के जोड़े को ये लगता कि उन्हें किसी से खतरा महसूस हो रहा है, उनके और उनके बच्चों को, तो उनकी जो की आवाज होती है ना, वो और भी अधिक तेज हो जाती है। मुझे यह पता चलते देर न लगी कि खरगोश के दांत बहुत तीखे होते हैं। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। और पिंजरे से बाहर निकलते ही खरगोश क्या करते हैं, खरगोश के झुंड लकड़ी की तरफ लपकते हैं और लकड़ी पर क्या करना चाहते हैं, अपने दांत आजमाने के बाद क्या करते हैं, कपड़े की तलाश करते। कुछ न कुछ उन्हें जरूर चाहिए होता जिन पर उनके दांत चल सके। अब क्या होता है, जब लेखक कहता है मैं स्कूल में भी जाता हूँ ना, तब भी मुझे सिर्फ क्या ध्यान रहता है, खरगोशों की तरफ ही मेरा ध्यान रहता है। और जब प्रार्थना सभा में अध्यापक और जो और बच्चे प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो मेरी कल्पना में क्या होता है, खरगोश के बच्चों की मीठी मीठी की आवाज ही सुनाई ही देती थी। स्कूल से लौटकर भी वो क्या करता, दौड़कर सबसे पहले पशुओं वाले घर में जरूर जाता उन खरगोशों को देखने के लिए। जब उसकी ये सब हरकतें उसके पापा देखते हैं, उसके पिताजी देखते हैं, तो उसे खूब डांटते हैं और उन्हें ये लगता है कि इन खरगोशों के चक्कर में ये अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा और ये फेल हो जाएगा, और उसकी माँ से भी यही बात कहते हैं। मगर लेखक कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि खरगोशों की वजह से मेरी पढ़ाई का कोई नुकसान हो रहा है। जब परीक्षा के दिन उसके नजदीक होते हैं, एक बार क्या होता है, जब लेखक की परीक्षा के दिन नजदीक आ रहे होते हैं, तो वो क्या करता है, पिताजी के डर से खरगोशों के पास बैठना कम कर देता है। पर एक दिन क्या होता है, स्कूल जाने की जल्दी में झटपट पिंजरा उसने खोला, खरगोशों की मुलायम पीठ पर हाथ फेरा और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। और उसने क्या किया, जल्दबाजी में पिंजरे को अच्छे से बंद नहीं किया, तो मौका देखकर क्या हुआ, कुत्ते ने उसके प्राण ले लिए। किसके? दो खरगोशों के प्राण ले लिए, क्योंकि पिंजरा अच्छे से बंद नहीं था। जब लेखक स्कूल से आता है तो फत्तू उसे इस दुर्घटना के बारे में, इस समाचार के बारे में बताता है। तब लेखक को बहुत दुख होता है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। और फिर वो क्या कहता है अगले दिन फत्तू से, कि सभी को जंगल में छोड़ आओ, क्योंकि मेरा मन कहता था कि उन दो खरगोशों की मृत्यु के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। इस तरह मेरे भी प्यारे खरगोश तो चले गए, पर मन से उनकी याद कभी नहीं गई। लेखक कहता है मेरे खरगोश तो मुझसे दूर हो गए, मगर उनकी याद मुझसे मेरे मन से कभी भी नहीं हटी। तो ये थी लेखक की प्यारी सी बचपन की सुंदर सी कहानी। आप सबको समझ आ गई होगी, आप इस पाठ का अध्ययन अवश्य घर पर अवश्य करना। तो अगली कक्षा में हम जल्द मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।